सपने में आएगा लोकेशन। पहले तो अपने को गाड़ी में तेल डलवाना है। मैं डलवाती हूँ, मैं कार से डलवा गो। वॉइस ओवर का, क्योंकि पूरे ड्राइव में यार बैकग्राउंड में चल रहा था गाना एंड गाना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट और जितनी भी हमारी कमाई होगी इस वीडियो से वो चली जाएगी। तो फिलहाल का सीन ये था कि यार यहाँ से हम लोग जो ड्राइव करते करते पहुँचे थे, ओवरनाइट हम लोगों ने ड्राइव करी थी एंड काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। बट जो हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचने से पहले हम लोग को राइट साइड में दिखा एक बहुत ही प्यारा व्यू, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि गाड़ी घुमाएंगे, वहाँ जाएंगे, उस लोकेशन को देखेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। घूम के देख लो पहले एक बार पूरा फ्रेम क्या आ रहा है। थोड़ा पीछे आ, पीछे आ, पीछे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पीछे आ। पता नहीं क्या हुई तो यार, अब क्या है, क्या टुंडे हाथ है ना कसम से, ना वीडियो बनानी आती ना गाड़ी चलानी आती। साले तेरे साथ मैं लास्ट ट्रिप पे आ रही हूं, मैं बता रही हूं कर तूने मेरा जितना खून जलाया। आई होप यू विल नॉट रिग्रेट। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिग्रेटिंग। गाड़ी घुमाने का रीजन ये था कि जहां पर गाड़ी लगाई थी पहले वहां पर व्यू का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था एंड मुझे चाहिए था लाइक बहुत ही ज्यादा क्लोज व्यू, पर एक डर ये था कि जो सैंड थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दब रही थी। ठीक है, लेट इट बी, एक कोशिश तो बनती है। तो कोशिश किया, गाड़ी आगे ले गए घुमा के एंड देन वो व्यू तो तुमने देख ही लिया, इतना प्यारा आ रहा था अंदर से। सो फाइनली यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले थे रामेश्वरम के लिए एंड क्रॉस करने वाले थे हम पाम्बन ब्रिज, जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैंने भी पहले कभी पाम्बन ब्रिज लाइक देखा नहीं था और ऐसा कुछ मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो अभी ये हम पहुंच चुके हैं पाम्बन ब्रिज में एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर व्हीकल्स का रुकना अलाउड नहीं था। सो कैसे वीडियो को बनाएं, कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करें समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए मैंने पहले एक बार ड्राइव मारी जस्ट टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज पाम्बन ब्रिज और यहाँ पर है क्या, व्यूज़ कैसे आ रहे हैं साइड से। फिर गाड़ी घुमाता हूँ, फिर मैंने एक और राउंड मारा यहाँ से कि मतलब वो समझ नहीं पा रहा था मैं कि एग्जैक्टली करूँ क्या और कैसे मैं गाड़ी रोके, कहाँ गाड़ी रोके, क्योंकि गाड़ी नॉर्मली रुक रही थी पुल के दोनों तरफ एंड वहाँ पर पहले से गाड़ियाँ पार्क हो रखी थी तो इशू आ रहा था पार्किंग स्पेस का। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो सुजुकी है। अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू आ रहा था एंड जब मैंने इस वीडियो को देखा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार बाहर से तो और ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड पाम्बन ब्रिज इंडिया का फर्स्ट ओवर द सी ब्रिज था एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। फर्स्ट टाइम ये लाइक इनॉग्रेट हुआ था 1914 में एंड ये कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया, मंडपम टाउन पड़ता है वहाँ से रामेश्वरम को। एंड जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। ऐसा नहीं मैंने गाड़ी रोकी, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी, मैंने गाड़ी रोकी थी, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था। एंड हमारे लेफ्ट साइड में एक पड़ता है रेलवे पटरी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, तो फिलहाल ये देखो सूजी है तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, सब काम करती है अपनी सूजी। बट अबे पीछे बैठना भी इतना आसान नहीं होता, बट फिलहाल थोड़ी देर के मैंने फटाफट गाड़ी अपनी पार्क करी एंड पुलिस वाले जा चुके थे वहाँ से हम लोग को टोक के, तो फटाफट मैंने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर इस साइड जो था वो बेसिकली जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक हमको सी दिख रही थी एंड सिर्फ यहाँ पर बोट्स दिख रही थी हमको और बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाटर एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था।
अब जिस पटरी की मैं बात कर रहा था वो इस साइड आएगी जहाँ पर मैं अभी जाऊँगा, एंड इस साइड जो पटरी है वो बहुत ही क्लोज है लाइक सी लेवल के, एंड इसके ऊपर से ट्रेन देखना चाहता था मैं जाते हुए, बट मैं मिस कर गया था उस टाइम पे, आई थिंक ट्रेन का टाइम नहीं था, बट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एंड लाइक ये तो वन ऑफ इस काइंड एक्सपीरियंस होगा। इसकी भी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स की है। सो देन ये देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे आगे अपने रामेश्वरम के लिए, क्योंकि पहुँचना था हमको रामेश्वरम, बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे। एंड ठीक है, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब मैं आपको दिखाऊंगा रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, लास्ट सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जिसके लिए मैं ये पूरी ड्राइव मार के गया था स्पेशली फ्रॉम बैंगलोर टू धनुषकोडी। मिलते हैं आगे।